नमस्कार चाचा, आपका शुभ नाम क्या हुआ चाचा? सियाराम सहनी। सियाराम सहनी कहाँ के निवासी हैं? वैशाली जिला। वैशाली जिला के निवासी हैं। चाचा, आप आयुर्वेदिक खेती से जो जुड़े हैं तो लगभग कितना दिन में लगभग जल जाता है आपको आयुर्वेदिक? 2 से 3 दिन में दिखाने लगता है, पूरा जला हुआ असर दिखाने लगता है। जो आप देख सकते हैं, अपने लगभग एक टंकी का स्प्रे किया, एक टंकी का स्प्रे में आधे टंकी का इसमें स्प्रे किया, आधे टंकी को उसमें, तो आपको इसमें असर दिखा है यहाँ पर। और छोटी घास में भी आपने मोथा वगैरह में दुबी में स्प्रे किया, तो उसमें देखिए मोथा में स्प्रे किया गया, मोथा देखिए एकदम जला हुआ है, मोथा जला हुआ है, और फिर दुबी भी जला हुआ है काफ़ी है, अंदर तक पूरा जल गया है। यहाँ पे दुबी पूरा गल गया है, यहाँ लग ही नहीं रहा कभी इतना घना घास था, काफ़ी सारे जो घास हैं वो धीरे धीरे गल रहे हैं। तो जैसे कि रासायनिक खेती ढंग से आप करते हैं, तो रासायनिक खेती में लागत भी अधिक पड़ता है, उससे इंसानों को नुकसान भी है, और जैसे रासायनिक खेती का दवा जो है वो आपको असर करने का बारिश करके पुनः जन्म ले लेता है? हाँ, ले लेता है। रासायनिक चाहे ग्लाइसल हो, ग्लाइसल वगैरह में फिर से बारिश के बाद फिर से जन्म ले लेता है, यही ना? तो आपका कहना है कि रासायनिक दवा का होता है फिर से असर खत्म हो जाता है बारिश के बाद, लेकिन ये आयुर्वेदिक दवा का 2 से 3 बार बारिश हुआ लेकिन इसके बाद भी उसका असर खत्म नहीं हुआ, अभी तक जैसे कहते हैं गल ही रहा है और सब छोटा घास पड़ गया, सब मुरझा गया है। तो इसका असर FSI हर्बिसाइड का असर किसान भाई के माध्यम से ये ठीक कह रहे हैं इस दवा को, और चूँकि 100% आयुर्वेदिक है, ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, इंसानों को भी इससे राहत मिलती है। तो जैसे कि आपने जो आयुर्वेदिक ढंग से खेती की, ठीक है, उसके मुकाबले लागत आपको कम पड़ता है या ज़्यादा पड़ता है? आयुर्वेदिक वाला में कम है, कम है लागत है, और जो रासायनिक वाले में बार बार देना पड़ता है, उसमें देना पड़ता है, तो इससे किसानों की आय लगभग जो बढ़ने की संभावना रहती है आयुर्वेदिक खेती ढंग से। तो आपके हिसाब से जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उनकी जो मुहिम है कि जो कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है आयुर्वेदिक खेती से यह संभव है? आयुर्वेदिक खेती से संभव है, कहें ना संभव, लागत जो है घट जाती है आयुर्वेदिक खेती से, लागत नहीं, 0 पॉइंट है, जीरो, मतलब लागत बिल्कुल भी नहीं है आयुर्वेदिक खेती। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, और वही रासायनिक में बहुत ज़्यादा खेती। आपके हिसाब से आयुर्वेदिक खेती का लागत लगभग कितना पड़ता है? 0 है। 0 है, बिल्कुल भी 0 है, बिल्कुल नहीं है खेती, मतलब बहुत कम लागत, न्यूनतम लागत नहीं, लागत ही नहीं है, चाहे खाद बनाना हो, कीटनाशक का हो, या फिर खरपतवार का, सबका लागत बिल्कुल 0 है, किसान को बहुत किफ़ायती पड़ता है, बहुत किफ़ायती पड़ता है बिल्कुल। या सर, आप देख सकते हैं सियाराम सहनी जी वैशाली जिला के निवासी हैं, इनका ये कथन है, और ये आयुर्वेदिक ढंग से खेती करते हैं। ये आप क्या क्या चाचा लगाते हैं? लगाते हैं तंबाकू, तंबाकू, गेहूं, गेहूं, तोरी, सब्जी में कद्दू लगाए हुए हैं फिलहाल। जी जी, हाँ जी, यही सब है। अच्छा, कद्दू में जो आपने वहाँ पे असर, आपका जो खरपतवार में बड़ी बड़ी घास हो गई थी, मोथा काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया था, लगभग 3-4 फीट का हो गया था, तो उसका जो असर आपके खेत पे जो हुआ, तो उससे क्या आपके कद्दू को भी कोई नुकसान हुआ था? कुछ नुकसान नहीं, कोई नुकसान आपके कद्दू को नहीं हुआ था। मतलब अगर ये आयुर्वेदिक हर्बिसाइड, आयुर्वेदिक खरपतवार नाशक दवा का उपयोग किया जाए आपके हिसाब से, तो उससे फसल को कोई नुकसान नहीं होता? कोई नुकसान नहीं, फसल कोई नुकसान नहीं, सिर्फ और सिर्फ जंगल ही जलता है, चाहे कितना भी बड़ा जंगल हो। बिल्कुल, और वो क्या पूरी तरह से गल जाता है, सड़ जाता है पूरा? आपके हिसाब से आयुर्वेदिक हर्बिसाइड का प्रयोग करें तो पूरी तरह से जंगल गल जाता है? पूरी तरह गल जाता है वो, दोबारा फिर क्योंकि जो एक बार सड़ गया, गल गया, वो दोबारा जल्दी होगा नहीं, होगा ना। वही जंग, वही ग्लाइफोसेट जंग जो होता है वो उससे दोबारा जन्म ले लेता है, मतलब रासायनिक दवाओं से फिर से जन्म ले लेता है। तो आपके हिसाब से आयुर्वेदिक खेती से हर किसी को जुड़ना चाहिए? हर किसी को जुड़ना चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया चाचा।